मेरे प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में केमिकल काइनेटिक्स में हम लोगों ने उसका एलिमेंट्री आइडिया पढ़ा कि अभिक्रिया का वेग किसको बोला जाएगा, अभिक्रिया का वेग कितने प्रकार का होगा, जो आप पढ़े थे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा, एवरेज वेलोसिटी होगा और इनिशियल वेलोसिटी होगा। उसमें से आपका पहला दो जो है, जो एवरेज वेलोसिटी है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, औसत वेग है और तात्क्षणिक वेग है, वो पढ़ना है। आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है, आपको समझ में आया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, हम पहले दिन ही चैप्टर का खाका तैयार किए थे, तो उसमें बताए थे कि अभिक्रिया का वेग पहले दिन पढ़ा जाएगा, दूसरे दिन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े जाएंगे। तो आज हम केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगतिकी का दूसरा लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। इसमें अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन या फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, आर ओ आर लिख रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं। सबसे पहले देखो आप, नेचर ऑफ रिएक्टेंट फर्स्ट है, अभिकारक की प्रकृति, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ये कैसे प्रभावित करेगा, अभिकारक की प्रकृति प्रभावित करेगी। जैसे कोई आयनिक रिएक्शन हो, आयनिक रिएक्शन हो और एक कोवेलेंट रिएक्शन, आयनिक रिएक्शन में देखो आप AgNO3 प्लस NH3 ये रिएक्ट करेगा, तो बहुत तेजी में, हम पहले दिन ही आपको बताए थे रासायनिक बलगतिकी में कि ये लगभग 10^-6 सेकेंड में ही ये संपन्न हो जाता है, ये बना देगा NaNO3 और AgCl। ये कैसे ये बन रहा है, तो यहां पे क्या है, AgNO3 में Ag1 पॉजिटिव है, NO3 नेगेटिव है, Na1 पॉजिटिव है, Cl1 नेगेटिव है, इसका धनावेश इसके ऋणावेश से, इसका धनावेश इसके ऋणावेश से मिलकर के और सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप बना देगा, व्हाइट PPT सफेद अवक्षेप बना देता है, अवक्षेप नीचे जाकर के बैठ जाता है, दूध फट करके नीचे बैठा है, यानी कि उसके कण अवक्षेपित हो रहे हैं, उसी को बोला जाता है। तो इसमें आयनिक रिएक्शन है जो कि 10^-6 सेकंड में संपन्न हो रहा है, कोवेलेंट रिएक्शन N2+3H2 कन्वर्ट्स इनटू 2NH3, अमोनिया बन रहा है, अमोनिया में नाइट्रोजन एंड ट्रिपल बॉन्ड N है, तीन हाइड्रोजन है, अब इसका कोवेलेंट बॉन्ड जब टूटेगा तब आपस में जोड़ करके और अमोनिया का निर्माण करेगा, कोवेलेंट कंपाउंड का निर्माण करेगा, H सिंगल बॉन्ड H है, NH3 बन रहा है, तो N H ऐसे NH3 बन रहे, पहले कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा, कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा उसके बाद क्या होगा कि ये फिर आपस में जोड़ करके और अमोनिया का निर्माण करेंगे। यहां बहुत तेजी से ये आयनित होगा, आयनित होकर के और बहुत कम समय में ये उत्पाद का निर्माण कर देता है। तो यहां आयनिक रिएक्शन यदि होगा तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन ROR(I) फॉर आयनिक रिएक्शन है इज ग्रेटर देन ROR(C), सी फॉर कोवेलेंट रिएक्शन है। यदि आयनिक रिएक्शन है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन अधिक होगा,
कोवेलेंट रिएक्शन है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन अपेक्षाकृत कम। हर एक बात समझ में? अभिकारक की प्रकृति, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, फिर इसमें हम देखें आयनिक रिएक्शन हो गया, कोवेलेंट रिएक्शन हो गया। दूसरा हम देखें यदि होमोजीनियस होमोजीनियस रिएक्टेंट हो और एक हेट्रोजीनियस रिएक्टेंट है, हेट्रोजीनियस रिएक्टेंट किसमें अभिक्रिया का दर अधिक होगा? इसमें होमोजीनियस रिएक्टेंट किसको बोला जाएगा? समान प्रकार का रिएक्टेंट हो, यानी कि एक ही पदार्थ का अभिकारक हो जिसके अणुओं की संख्या, अणुओं का आकार एक समान हो, परमाणुओं का आकार एक समान हो, तो इसमें होमोजीनियस, होमोजीनियस बोला जाता है समांगी रिएक्टेंट, और हेट्रोजीनियस भी समांगी रिएक्टेंट। तो इन दोनों में किसमें अधिक अभिक्रिया का भी होगा? ये समान प्रकार का रहेगा तो जाकर के एक में मिल जाएंगे। जैसे क्या है, एक जगह कोई सेमिनार आयोजित हो रहा है, पूरे विश्व के लोग आकर के और उस सेमिनार में भाग ले रहे हैं, कुछ इंडियंस, दो चार इंडियंस हैं और कुछ अमेरिकन्स हैं, तो इंडिया का जो बंदा होगा वो किसके साथ मिलना जुलना पसंद करेगा? वो आपस की कम्युनिटी होगी, अपना मदर टंग होगा, अपना सब कुछ समझ रहा होगा, तो अपने लोगों के साथ वो जल्दी घुल मिल जाएगा। और यदि अमेरिकन होगा, ऑस्ट्रेलियन होगा, अगर ब्रिटेन का होगा, तो उसके साथ घुलने में, उसके साथ जुड़ने में, उसके साथ बातचीत करने में उसको समस्या होगी। तो इसमें समान प्रकार का अगर रिएक्टेंट है और अगर अलग अलग प्रकार का रिएक्टेंट है तो होमोजीनियस रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो अधिक होता है, वो तेजी से संपन्न होगा हेट्रोजीनियस रिएक्टेंट की तुलना में। आरी क्वेश्चन में अब देखो, इसी में थर्ड पॉइंट है नेचर ऑफ रिएक्टेंट में, इसमें थर्ड पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक का अस्थायित्व। रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी पर कैसे रेट ऑफ रिएक्शन निर्भर करेगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। अभिकारक का स्थायित्व कम रहे या उत्पाद का स्थायित्व अधिक रहे तो अभिक्रिया का दर जो होगा वो अधिक होगा। कैसे? अभिकारक ऐसा आप ले लो जो कि उसी तरीके से पड़ा रहे, वो अन्य अभिकारक के साथ जुड़ करके अगर उत्पाद न बनाए तो उसमें अभिक्रिया का दर कुछ नहीं होगा, और ऐसा अभिकारक रहे जो तेजी से आपस में क्रिया करके और उत्पाद का निर्माण कर दे तो उसमें क्या होगा? तो बहुत तेजी से क्रिया कर रहा है यानी कि स्टेबिलिटी कम है, धीरे धीरे क्रिया कर रहा है यानी कि स्टेबिलिटी उसकी अधिक है। तो अगर स्टेबिलिटी और उत्पाद, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट क्या है, तो स्टेबिलिटी अगर उत्पाद ज्यादा अस्थायी होगा तो बहुत तेजी से रिएक्शन वो संपन्न होकर के और उत्पाद बना देता है। तो अभिकारक का स्थायित्व जब कम रहेगा या उत्पाद का स्थायित्व जब अधिक रहेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो अधिक होगा। एक एग्जांपल हम इस पे देखते हैं, बड़ा अच्छा एग्जांपल है। देखो एग्जांपल यहां पे देखिए, अगर CH3COOH आयनित हो रहा है CH3COO1- + H+, दूसरा HCOOH आयनित होकर के H+ नहीं बनाएगा, HCOO1- + H+ बना दे, पूछे कि इन दोनों में से कौन अभिक्रिया तेजी से होगी। आप ये देख लो कि किसमें स्टेबल प्रोडक्ट बना है या किसमें रिएक्टेंट जो अभिकारक है उसका क्रियाशीलता अधिक है, अस्थायित्व कम है। आप देखो यहां पर CH3COOH है, आप जानते हो कि जब केटायंस आपका केटायंस होता है
तो प्लस आई प्रभाव वाले अभिकर्मक अगर जुड़ रहे होंगे, अगर इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप जुड़ रहे होंगे तो उसका स्थायित्व वो बढ़ाता जाता है। लेकिन यदि नेगेटिव चार्ज है और यहां पर CH3 जुड़ा हुआ है तो CH3 क्या करेगा, CH3 जो होगा प्लस आई प्रभाव रखेगा, प्लस आई प्रभाव रखता है। प्लस आई प्रभाव क्या है कि अपना इलेक्ट्रॉन देगा चेन की तरफ, तो ये नेगेटिव और ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, ये पहले से नेगेटिव है, तो इसमें क्या होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, क्रियाशीलता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो क्रियाशीलता जब बढ़ जाएगा तो इसका स्थायित्व जो होगा वो कम हो जाएगा। क्रियाशीलता और स्थायित्व दोनों अपोजिट चीज है। अगर कोई सब्सटेंस ज्यादा क्रियाशील है यानी कि कम स्टेबल, कम क्रियाशील है यानी कि ज्यादा स्टेबल, तो इसमें प्लस आई प्रभाव रखता है, इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इसकी क्रियाशीलता बढ़ जाएगी इसके कारण से। और इसमें कोई प्लस आई प्रभाव वाला अभिकर्मक नहीं है, हाइड्रोजन कोई आपका उदाहरण प्लस माइनस इफेक्ट नहीं रखता है, प्लस आई प्रभाव या माइनस आई प्रभाव। इंडक्टिव इफेक्ट आप 11th में पढ़े हो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC में पढ़ाया गया होगा। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें आपका जो फॉर्मेट आयन है इसका स्थायित्व तो इस एसीटेट आयन की तुलना में अधिक है। कि इसको यदि ROR फर्स्ट कर दें, इसको यदि ROR सेकंड कर दें, तो ROR सेकंड इज ग्रेटर देन ROR फर्स्ट। रेट ऑफ रिएक्शन जो सेकंड वाला अभिक्रिया का होगा वो रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट वाले की तुलना में कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि इसका उत्पाद अधिक स्थायी है। यहां पे हम देख रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, उत्पाद के स्थायित्व के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। तो सेकेंड वाला रिएक्शन जो होगा अधिक तेजी से होगा फर्स्ट वाले रिएक्शन की तुलना में। आई बात समझ में, तीन चीजों को हमने पढ़ा। अभिकारक की प्रकृति में कि आयनिक रिएक्शन होगा, कोवेलेंट रिएक्शन होगा, आयनिक रिएक्शन तेजी से होगा, कोवेलेंट रिएक्शन धीरे-धीरे होगा। होमोजेनियस रिएक्टेंट हेटेरोजेनियस रिएक्टेंट समान प्रकार के रहेंगे, तेजी से आपस में जुड़ करके क्रिया करेंगे, तो होमोजेनियस रिएक्टेंट रहेगा तेजी से क्रिया करेगा, हेटेरोजेनियस रिएक्टेंट रहेगा धीरे-धीरे क्रिया करेगा। स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, तो उत्पाद के स्थायित्व के डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा और अभिकारक के स्थायित्व के इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, उस पर एक बड़ा अच्छा एग्जांपल हम लोगों ने एस्टिकम और फार्मिकम लगा पढ़ा। अब हम इसको मिटाते हैं, दूसरा देखा जाए, दूसरा फिजिकल भौतिक अवस्था, अभिकारक की भौतिक अवस्था कैसे अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करेगी, फिर सरफेस एरिया कैसे प्रभावित करेगा अभिक्रिया के वेग को, उसको देखा जाए। आप से बार बार बोला जाता है आप हमेशा कॉपी और कलम लेकर के बैठिए, जब भी आप पढ़ रहे हो तो कॉपी कलम लेकर के बैठो और आप नोट्स करते जाओ, अपना नोट्स बनाओ और जो समस्या होती हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। देखो आप ध्यान से देखिए क्या हम बोल रहे हैं, एनपीएस नए कर्मचारी जो आ रहे हैं सरकारी कर्मचारी उनके लिए नई पेंशन योजना है, इसमें न्यू पेंशन स्कीम है। एन फॉर नेचर ऑफ रिएक्टेंट हो गया, पी फॉर फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट होगा और एस फॉर सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट होगा एनपीएस। और बाकी जो आप पढ़ोगे चार पांच वो 11th में लीचेटलियर प्रिंसिपल में आप पढ़े होंगे, ताप का प्रभाव, दाब का प्रभाव, सांद्रण का प्रभाव, उत्प्रेरक की उपस्थिति का प्रभाव, उसको भी हम दिखाएंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे प्रभावित करता है। N फॉर नेचर हो गया, P फॉर फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। अभिकारक की भौतिक, आप इंग्लिश से डरिएगा मत, एकदम सिंपल सा होता है, आप हिंदी में लिख दो अभिकारक की भौतिक अवस्था किस प्रकार से प्रभावित करेगी रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए यदि अभिकारक
गैसीय अवस्था में हो, तीन स्टेट में हो सकता है, गैस हो गया, लिक्विड हो गया, सॉलिड हो गया। तो किस स्टेट में अभिकारक रहे कि रेट ऑफ रिएक्शन अधिक हो? ऐसा स्टेट हो जिसमें इसकी उसके घटक कण तेजी से एक दूसरे से कोलाइड करें, एक दूसरे से कोलिजन हो, जिसमें अधिक कोलिजन होगा उसमें रेट ऑफ रिएक्शन अधिक होगा। तो आप गैस, लिक्विड और सॉलिड, इन तीनों में किसमें अधिक कोलिजन होगा? तो गैस वाले कण अधिक स्वतंत्र रहेंगे, तेजी से एक दूसरे से टकराएंगे, एक दूसरे से एनर्जी को आप एक दूसरे का आदान प्रदान करेंगे, इस कारण से गैस स्टेट में रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो अधिक होगा लिक्विड की तुलना में, और लिक्विड में अधिक होगा सॉलिड की तुलना में। आगे बात समझें, जैसे ए और बी दोनों सॉलिड स्टेट में है और इनका प्रोडक्ट ए बी बन रहा है, और एक है ए गैसेस स्टेट में, बी गैसेस स्टेट में, ए बी ये उत्पाद बन रहा है, तो ये वाला जो रिएक्शन होगा वो इसकी अपेक्षा फास्ट होगा। गैसीय अवस्था में है, अणु एक दूसरे से ज्यादा टक्कर करेंगे, उत्पाद जो होगा वो अधिक मात्रा में बनेगा, अभिक्रिया की दर जो होगी वो अधिक होगी। फिर थर्ड देखो, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि अभिकारक की सतह, किस प्रकार से अभिकारक की सतह अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करेगी? सरफेस एरिया किसी अभिकारक का जितना अधिक रहेगा रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो उतना अधिक होगा। आर ओ आर रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन सरफेस एरिया के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। कैसे? एक सिंपल सा उदाहरण हम देखते हैं, एक सामान्य सा उदाहरण हम देखें, जैसे आपके पास एक गिलास पानी है, एक गिलास पानी दिए हो और इसमें आप ले लो मिश्री, मिश्री छोटा छोटा टुकड़ा रहे, और एक क्या है कि बुरादा के रूप में शुगर, इन दोनों को एक गिलास और पानी ले लो, दोनों का अलग अलग सोल्यूशन आप बना लो, इसको आप इसमें घोलो, इसको आप इसमें घोलो, कौन जल्दी घुलेगा? ये घुलेगा ना, ये घुलेगा नहीं, ये क्या होगा, पहले इसमें जाएगा तो फिर छोटे छोटे खंडों में टूटेगा और फिर जाकर के घुलना इसमें शुरू होगा। ये क्या है कि पहले से ही बुरादा के रूप में, पहले से ही वो टूटा हुआ है, तो ये जो होगा वो तेजी से घुलेगा, ये जो होगा वो धीरे धीरे घुलेगा। क्यों ऐसा होगा? ये जब छोटा बुरादा इसमें जाएगा, जब छोटे छोटे कण छीन के इसमें जाएंगे तो वो पानी के साथ मिलकर के और जल्दी से घुल जाएंगे। अधिक इसमें कण है जो जल्द से जाकर के क्रिया करेगा। इसमें क्या है, कण तो इतना ही है लेकिन वो क्या कॉम्पैक्ट फॉर्म में है या पूरा सॉलिड के रूप में है, उसको टूटने में कुछ समय लगेगा, तो इसके कारण से इसमें घुलने में अधिक समय लगेगा, इसमें अधिक समय लगेगा, इसको घुलने में कम समय लगेगा। तो शुगर पाउडर जो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ शुगर पाउडर इज ग्रेटर देन रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ शुगर जो बड़े बड़े कण के रूप में होगा। तो शुगर पाउडर अगर है तो वो तेजी से घुलेगा, तेजी से अभिक्रिया करेगा, और जो ऐसे ही सॉलिड स्टेट में रहेगा, सॉलिड तो ये भी है लेकिन ये बड़े बड़े कण के रूप में रहेगा, तो इसका अभिक्रिया की दर कम होगी, इसके अभिक्रिया की दर अधिक होगी। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे इस कण को ज्यादा सरफेस मिल रहा है, वो अलग अलग कण मिलकर के और तेजी से क्रिया कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे क्या है, मान लो कि चंदा इकट्ठा करना है, चंदा इकट्ठा करना है, एक जगह 10 लोग एकत्रित है, दूसरी जगह 10 लोग एकत्रित है, एक टीम में क्या हुआ कि एक नेतृत्वकर्ता हो गया और कहा कि मैं ही केवल जाकर के चंदा वसूल करूंगा, ले आकर के और तुम लोगों को दे दूंगा, तुम लोग उसको काउंट करके और अलग अलग रखते रहना। एक आदमी जाएगा जाकर के और चंदा वसूल कर रहा है, दूसरा ग्रुप है
उसमें क्या किए कि सब बच्चों ने डिसाइड किया कि ऐसा है कि सब लोग जाकर के और एरिया कवर करेंगे, तो जो 200 जब निकलेंगे क्षेत्र में तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के संपर्क में आएंगे और अधिक से अधिक चंदा वसूल करके लाएंगे, और जो एक ही आदमी निकला है उसको भी उतना ही एरिया कवर करना है, तो एक आदमी निकलेगा तो कुछ घर तक ही पहुंच पाएगा, तो जिसमें 200 निकले हैं तो वहां पे चंदा अधिक एकत्रित होगा, जहां पे केवल एक आदमी नेतृत्व करके और बाहर निकला है बाकी सबको रहने दिया है, तो इसके कारण से उसका जो चंदा वसूल होगा समान समय में कम होगा। वैसे ही क्या है, ये सुगर है, बड़े बड़े टुकड़े हैं, तो ये जल के संपर्क में इनका सतह आ रहा है, अंदर जो कण है वो जल के संपर्क में नहीं आ रहा है, तो वो अंदर ही है, तो ये जब घुलेगा ऊपरी सतह तब अंदर वाला फिर आएगा। यहाँ पे क्या है, वो बुरादे के रूप में है, तो ये क्या जब जम जाएगा तो इसके ज्यादा कण जल के कण के संपर्क में आएंगे और जल्दी से घुल जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ क्या है, जो शुगर पाउडर है वो सामान्य शुगर की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर दीजिएगा। अब चौथा देखा जाए, इसको मिटा रहे हैं, आप नोट कर लेंगे, कर लिए होंगे। देखिए, तो सबसे पहले नेचर ऑफ रिएक्टेंट था, फिर फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट था, फिर स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट और स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। अब देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, चौथा हम देखें, इफेक्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव किसी रासायनिक अभिक्रिया में ताप का क्या प्रभाव हो गया। सामान्यतः क्या होता है कि ताप बढ़ता है अभिक्रिया का वेग बढ़ता जाता है। क्यों ऐसा होता है, अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो अभिकारक पदार्थ जो होंगे वो जल्दी जल्दी टूटेंगे और छोटे छोटे खंड में टूटेंगे तो जाकर के तेजी से आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद का निर्माण करेंगे। तो जैसे जैसे टेम्परेचर में वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे अभिक्रिया का वेग जो होता है वो बढ़ता जाता है। यहां भी बताया गया है कि 10 डिग्री प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया का वेग जो होगा लगभग दुगना हो जाता है। इसमें आप देखो एक टेम्परेचर कोफिशिएंट है 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापांतर पर, ध्यान से देखो एक नंबर क्वेश्चन पूछा जा सकता है या पूछा जाता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापांतर पर अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के अनुपात को ताप गुणांक कहते हैं। दस डिग्री सेंटीग्रेड तापांतर पर अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के अनुपात को ताप गुणांक बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो नंबर क्वेश्चन पूछा जा सकता है ताप गुणांक इज इक्वल टू के टी डिग्री सेंटीग्रेड के टी प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप स्थिरांक है और ये 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप स्थिरांक। 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापांतर पर अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के अनुपात को ताप गुणांक बोला जाता है। सामान्यतया उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया हो या उष्मा शोषीय अभिक्रिया हो, प्रत्येक में अगर ताप बढ़ाएंगे तो थोड़ा थोड़ा अभिक्रिया के वेग में वृद्धि हो जाएगी। इसमें पीछे आप लास्तालिए के नियम पढ़े हो कि यदि ताप में हम वृद्धि करेंगे, यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया उष्मा क्षेपी है तो वहां पर ताप कम रहेगा तो उत्पाद की मात्रा अधिक बनेगी, और यदि अभिक्रिया उष्मा शोषी है यानी कि अभिक्रिया के संपन्न होने पर उष्मा की आवश्यकता है और वहां पर आप ताप बढ़ाएंगे तो उत्पाद की मात्रा जो होगी वो अधिक बनेगी। लेकिन सामान्य रूप से हम बताए हैं कि किसी अभिक्रिया में अगर ताप आप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग जो होगा वो बढ़ जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है। फिर देखो
दाब, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दाब का प्रभाव, लासतालिए के नियम में आप पढ़े हो कि दाब में वृद्धि करने पर अभिक्रिया का साम्य उधर की तरफ जाता है जिधर आयतन कम होता है, तो जिधर आयतन कम रहेगा उधर की तरफ जाएगा, और वैसे ही अगर उत्पाद का आयतन कम है तो अभिक्रिया का साम्य अवरुद्ध दिशा में जाएगा और उत्पाद उत्पाद क्या होगा, उत्पाद अधिक मात्रा में बनेगा, एन टू प्लस थ्री एच टू कन्वर्ट्स इनटू 2N। कैसे पता चलेगा आयतन का, एन टू एक मोल है, एच टू तीन मोल है, कुल मिला के अभिकारक का आयतन चार मोल हो गया, उत्पाद का आयतन दो मोल हो गया। तो अगर दाब में वृद्धि करेंगे तो अभिक्रिया का साम्य अवरुद्ध दिशा में जाएगा, उत्पाद जो होगा वो अधिक मात्रा में बनेगा क्योंकि इधर का आयतन कम। फिर उत्प्रेरक की उपस्थिति क्या प्रभावित करेगी, उत्प्रेरक की उपस्थिति देखो साम्यावस्था को नहीं प्रभावित करता है, लेकिन उत्प्रेरक अगर उपस्थित होगा तो किसी अभिक्रिया में क्या परिवर्तन होगा, यहां पे हम देख लें, ये एनर्जी यहां पर रिएक्टेंट, यहां प्रोडक्ट उत्पाद है, उत्पाद की एनर्जी थोड़ी सी अधिक है। जब हम रिएक्टेंट को आपस में क्रिया कराते हैं तो ऐसा नहीं वह तुरंत वो जाकर के और उत्पाद बना देगा, ऐसा नहीं होगा। क्या होता है कि रिएक्टेंट को जब आप गर्म करोगे या अभिक्रिया कराओगे तो इसकी एनर्जी एक निश्चित एनर्जी तक पहुंचेगा और उसके बाद फिर क्या होगा, वो आपस में मिलकर के उत्पाद का निर्माण कर देंगे। ये जो पॉइंट है इसको ट्रांजिशन स्टेट बोला जाता है, ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट बोलेंगे, या इसको एक्टिवेशन एनर्जी बोला जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी संक्रियण ऊर्जा बोला जाता है, संक्रियण ऊर्जा, संक्रियण ऊर्जा किसको बोला जाता है, वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे अधिक होने पर ही कोई अभिकारक किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसी को एक्टिवेशन एनर्जी बोला जाता है। जैसे आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में बैठ रहे हो, उस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए क्राइटेरिया निर्धारित कर दिया कि इंटरमीडिएट में अगर आप 80% नंबर पाओगे तभी आप उस एग्जाम में बैठ सकते हो, तो 80% जो होगा वो क्या हुआ, एक्टिवेशन एनर्जी हुआ, उससे अगर अधिक रहेगा तो आप भाग लेंगे, और 79.9% भी रहेगा तो आप उसमें भाग नहीं। तो वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे अधिक होने पर ही कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है एक्टिवेशन एनर्जी बोला जाता है। आ रही बात समझ में ना, एक्टिवेशन एनर्जी। अब क्या है, यदि उत्प्रेरक आप मिला देते हो इसमें, यदि उत्प्रेरक मिला देंगे तो वो क्या करेगा इसी रिएक्टेंट को कोई दूसरा पाथ प्रोवाइड कर देगा, दूसरा पाथ प्रोवाइड कर देगा, यानी कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देगा, और एक्टिवेशन एनर्जी को यदि घटा देगा तो क्या होगा, अधिक से अधिक अभिकारक भाग लेंगे, उत्पाद अधिक मात्रा में बनेगा, जल्दी बन जाएगा। अब क्या है, जब जिनकी एनर्जी यहां तक हो रही थी वही बस अभिक्रिया में भाग ले रहा था, अब एक्टिवेशन एनर्जी यहीं पे हो गया। ये होगा कब, ये भी ध्यान रखिएगा, कोई जरूरी नहीं बस घटाएगा, उत्प्रेरक हम उसको नहीं बोलते हैं जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, नहीं नहीं गलत, उत्प्रेरक हम उसको बोलते हैं जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, दोनों उत्प्रेरक हैं, जो बढ़ाता है उसको धनात्मक उत्प्रेरक, जो घटाता है उसको ऋणात्मक उत्प्रेरक बोला जाता है। तो यदि धनात्मक उत्प्रेरक है, यदि पॉजिटिव कैटेलिस्ट है, तो वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा, अधिक से अधिक अभिकारक भाग लेंगे, उत्पाद अधिक मात्रा में बनेगा। और यदि कोई निगेटिव कैटेलिस्ट ले लिए, यदि कोई ऋणात्मक कैटेलिस्ट रहेगा, उत्प्रेरक रहेगा, वो एक्टिवेशन एनर्जी को और ज्यादा बढ़ा देगा, और ज्यादा जब बढ़ा देगा तो कम से कम अणु भाग लेंगे। जैसे हम 80% का एग्जांपल आपको बताए थे, कोई ऐसा मंत्री या अधिकारी आ गया जो थोड़ा सा विनम्र हो और बच्चों का ख्याल करता हो, वो क्या कर देगा कि नहीं, जिस एग्जामिनेशन के लिए 80% है उसको घटा करके 70% कर देगा,
तो जो पहले 1 लाख बच्चे भाग ले रहे थे, हो सकता है कि 5 लाख बच्चे भाग लो, भाग ले उसमें। और कोई ऐसा मंत्री आ गया, ऐसा कोई शिक्षा मंत्री आ गया जो कि उस एक्टिवेशन एनर्जी जो 80% था उसको बढ़ा करके 90% कर दिया। तो पहले जो 1 लाख बच्चे भाग ले रहे थे, अब 50,000 ही बच्चे भाग लेंगे। तो क्या होगा, अगर धनात्मक रहेगा तो वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा, और यदि कोई ऋणात्मक कैटेलिस्ट रहेगा तो वो एक्टिवेशन एनर्जी को और ज्यादा बढ़ा देगा, कम और अभिकारक भाग लेंगे, उत्पाद की मात्रा कम बनेगी। तो कैटेलिस्ट क्या करेगा, अदर पाथ प्रोवाइड करा देता है, और उसमें क्या होगा कि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी और अभिक्रिया का वेग जो होगा वो बढ़ जाएगा। आई बात समझ में? तो ये एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन संक्रियण ऊर्जा बोला जाता है, वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे अधिक होने पर ही कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले, संक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी बोला जाता है। इस उत्प्रेरक की उपस्थिति, पीछे वाले में जो ताप का प्रभाव पड़े थे, ताप के प्रभाव में एक आर्गेनियस समीकरण पढ़ना चाहिए था, आर्गेनियस इक्वेशन, आर्गेनियस इक्वेशन। अभी हम बताते हैं, आप इसको देख लिए होंगे, इसको आप नोट कर लीजिएगा, पास करके और नोट करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलने दो। देखो इसको मिटाते हैं, हम मिटाते हैं इसको। आर्गेनियस इक्वेशन हम पीछे भी बताए थे, आर्गेनियस समीकरण आपको पढ़ना नहीं है, आर्गेनियस इक्वेशन आप देख लो, ताप गुणांक को क्या 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापांतर पर अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के अनुपात को ताप गुणांक बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट 2 नंबर का क्वेश्चन दे देगा आप, 2 टेम्परेचर पर देगा आपको वेग स्थिरांक और पूछ देगा ताप गुणांक कितना होगा, मालूम होना चाहिए, डेल्टा टी प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन के टी प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन के टी डिग्री सेंटीग्रेड। आर्गेनियस इक्वेशन ताप के प्रभाव को निर्धारित करता है, जो अभी ऊपर पढ़े हैं, क्या है ताप का प्रभाव, इसमें के बराबर ए इड पावर माइनस ए अपॉन आर, इसमें K आपका स्थिरांक है, E एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, इसको चर घातांक की गुणक बोला जाता है, इसको पूर्व चर घातांक की गुणक बोला जाता है। EA एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, R गैस कांस्टेंट, T आपका परम ताप, आर्गेनियस इक्वेशन के बराबर ए इड पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ई चर घातांक की गुणक है, एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोला जाता है, ए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या पूर्व चर घातांक की गुणक बोला जाता है, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी, आर गैस कांस्टेंट और टी जो है वो परम ताप, ठीक है ना। तो अभिक्रिया का दर जो होगा वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ सामान्यतया बढ़ता जाता है। अब देखो लास्ट है अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता। देखो सामान्यता क्या होगा, जैसे जैसे अभिकारक की सांद्रता बढ़ाएंगे उत्पाद की मात्रा अधिक बनेगी, लेकिन जब आप इसमें अध्ययन करोगे, जब इसमें आपको बताया जाएगा रेट ला, द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम, और आपको बताया जाएगा अभिक्रिया की कोटि, उसमें आप देखेंगे तो हो सकता है अभिक्रिया का वेग केवल अभिकारक की सांद्रता पर नहीं, उत्पाद की सांद्रता पर भी निर्भर कर सकता है।
अभिक्रिया का दर हो सकता है कि अभिकारक की सांद्रता आप बढ़ा रहे हो, अभिक्रिया के वेग पर कोई प्रभाव ना पड़े। हो सकता है कि अभिकारक की सांद्रता बढ़ा रहे हैं और उत्पाद की जो सॉरी अभिकारक की सांद्रता बढ़ा रहे हैं और आर ओ आर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो दोगुना हो जा रहा है, कंसंट्रेशन के दो घात पर निर्भर करेगा। हो सकता है कि आप अभिकारक की सांद्रता बढ़ा रहे हो और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आधा पहले की तुलना में आधा हो जाए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होता है। हो सकता है कि आप सांद्रता अभिकारक की सांद्रता बढ़ा रहे हो और उसमें क्या हो आठ गुना हो जाए रेट ऑफ रिएक्शन, तो अभिक्रिया का जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती भी होगा, अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं भी कर सकता है, उसके दो घात पर भी निर्भर कर सकता है, उसके तीन घात पर भी निर्भर कर सकता है, या उसके व्युत्क्रम के भी अनुक्रमानुपाती हो सकता, व्युत्क्रमानुपाती भी हो सकता है अभिकारक की सांद्रता के, तो कुछ भी संभव है। हम अगले वीडियो में देखेंगे रेट ला और कैसे हम निकालेंगे किसी अभिक्रिया की कोटि, किसको बोला जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कैसे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए व्यंजक निकालेंगे, कैसे हम शून्य कोटि के लिए व्यंजक निकालेंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया बोला किसको जाएगा, सीडो ऑर्डर रिएक्शन किसको बोला जाएगा। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे फिर अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर क्या है, आणविकता किसको बोला जाता है, उस पर विस्तार से चर्चा करें। आप नोट्स खुद बैठिए, जब वीडियो देखने बैठिए तो आप कॉपी और कलम लेकर के बैठें और नोट्स आप बनाते जाइए, अपना नोट्स रहेगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आ रही बात समझ में? और कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में आप जाकर के कमेंट कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अभी COVID-19 का प्रभाव हमारे समाज में बढ़ता जा रहा है, आप प्रयास करें बहुत आवश्यक कार्य हो तो मास्क लगा करके और पॉकेट में सैनिटाइजर लेकर के ही बाहर निकलें। आप सुरक्षित हैं तो हमारा पूरा परिवार सुरक्षित है, देश सुरक्षित है, और इसी तरीके से हम कोरोना को हरा सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।